स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन किंग पर। तो गाइस यार आज के वीडियो में क्या होने वाला है आप लोग को तो पता चल ही गया होगा। जी हाँ गाइस, आज के वीडियो में जो नाइफ मतलब चाकू होता है गाइस, हम लोग चाकू के जो धारदार होती है उसको इस तरीके से चिपका कर देखने वाले हैं। आप लोगों ने तो तुमने देख ही लिया होगा, बट यार जिन लोगों ने नहीं पता है कि क्या होने वाला है वीडियो में, उन लोगों के लिए बता दे रहा हूँ कि नाइफ को हम लोग इस तरीके से चिपकाने वाले हैं। देखते हैं कि क्या वो चिपक सकते हैं या नहीं चिपक सकते हैं, लोहे में लोहा चिपक सकता है या नहीं चिपक सकता है। जी हाँ गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम लोग वही देखने वाले हैं जो गाइस मेरी पिछली वीडियो थी, उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा ही प्यार दिया। जी हाँ गाइस, इसके कारण मुझे उसी टॉपिक पर फिर से वीडियो लानी पड़ी। जी हाँ गाइस, तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद जो पड़ोस में बेल आइकन है उसको ऑल पर प्रेस कर देना ताकि मेरी सारी वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो गाइस यार अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो इसका छिकल है इसको रख देता हूँ साइड में। और गाइस ये जो हमारी फेविक्विक निकली हुई है ये हमारे पास आ चुकी है। और गाइस अब मैं इसको इसके ऊपर डालकर आप लोग को दिखाता हूँ। इसको तो पहले मैं इसकी सील को तोड़ लेता हूँ। गाइस ये जो सील लगी होती है इसको मैंने अलग कर दिया इसकी ढक्कन को। और गाइस ये फेविक्विक को अलग कर दिया है। और गाइस इस पर मैं एक बूंद पहले डालता हूँ। गाइस मैंने एक ही बूंद डाला है इसके ऊपर। और गाइस अब इसको रख देता हूँ इसके ऊपर। ये नीचे से हल्की यार इसको रख देता हूँ। हाँ अब गाइस यार ये अच्छी तरीके से चिपक जाएगी। भाई साहब ये गर्म हो गई यार पूरी छुरी। जी हाँ गाइस ये पूरा नाइफ यार ये क्या है भाई साहब, ये तो एक ही बार एक बूंद में चिपक गई यार। भाई साहब ये देखिए यार क्या अजीबो गरीब लग रही है, ये देखिए किस तरीके से चिपक गई है। बट यार मैं ये जल्दी ना छूटा इसलिए मैं एक दो बूंद और डाल दे रहा हूँ ये फेविक्विक। गाइस ज़्यादा डालूँगा तो यार ये इधर उधर बह जाएगी। जी हाँ गाइस इसलिए मैं ज़्यादा तो नहीं डाल रहा हूँ। तो गाइस यार इसको मैंने चिपकने के लिए रख दिया है। और गाइस टाइम देख लेते हैं कि क्या हुआ है। 10:46 हुए हैं।